नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। इस वक्त पूरे देश में कोलकाता में हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह डॉक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आरोपी जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, अब वो नए नए खुलासे कर रहा है। एक बड़ी और अहम जानकारी आरोपी को लेकर सामने आई है कि आरोपी सुबह से ही शिकार के तलाश में निकला था और अब ये जो चौंकाने वाले खुलासे आए हैं वो सभी को हैरान कर रहे हैं। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीम फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया था। अब पुलिस से जुड़े सूत्रों ने भी एक बड़े मीडिया चैनल से बात करते हुए खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी संजय राय घटना वाले दिन दोपहर से ही एक ऐसी महिला की तलाश में था जो अकेली हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना वाले दिन पहले संजय राय अपने दोस्त सौरभ, जो खुद भी एक वॉलंटियर है, उसके साथ रेड लाइट एरिया सोनागाछी और कालीघाट गया था। हालांकि वहां संजय की पैसों को लेकर बात नहीं बनी, लेकिन तब वो किसी ऐसी महिला की तलाश में था जो अकेली हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेड लाइट एरिया से लौटने के बाद संजय राय आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ा। आरजीकर अस्पताल पहुंचने से पहले आरोपी संजय राय ने रास्ते में एक लड़की के साथ छेड़खानी भी की थी। वो जैसे ही आरजीकर अस्पताल के बाहर पहुंचा तो उसने पहले कोई मरीज या तीमारदार को अपना टारगेट बनाने का सोचा, लेकिन उसे लगा कि अगर अस्पताल के बाहर कुछ ऐसा करता है तो हल्ला मच जाएगा। इसके बाद ही वो अस्पताल के अंदर गया। अंदर घुसने के बाद उसने सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर की तरफ किसी डॉक्टर, नर्स या फिर महिला मरीज को अपना शिकार बनाने की योजना बनाई, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिला। अस्पताल के अंदर जब वो ऑपरेशन थिएटर से होता हुआ सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ा तो सेमिनार हॉल में जाते हुए वहां एक ट्रेनी महिला डॉक्टर अकेले सोते हुए मिल गई। उसे ऐसे ही किसी शिकार की तलाश थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पहले पीड़िता को बेहोश किया और फिर बाद में उसके साथ रेप किया। हालांकि यह भी जांच का विषय है, आरोपी ने महिला डॉक्टर की पहले हत्या की और बाद में उसके साथ रेप किया, या फिर उसकी हत्या की और फिर उसके बाद रेप किया। अभी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय एक अच्छा बॉक्सर भी रहा है, इसीलिए उसे ये पता था कि गले में कौन से जगह दबाने से कोई बेहोश हो सकता है, इसीलिए उसने जाते ही महिला का गला दबा दिया। इसी बीच महिला डॉक्टर ने अपने बचाव में काफी कोशिशें भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की और इस घटना के करीब 40 मिनट में ही अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार तो हो गया, लेकिन मौके से भागते हुए उससे एक गलती हो गई, उसका ब्लूटूथ मौके पर गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे वहां पर एक ब्लूटूथ मिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय से जब ब्लूटूथ के बारे में पूछा तो उसने कहा ये मेरा नहीं है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के फोन की मैक आईडी से उस ब्लूटूथ की पहचान की। इसके बाद ये साफ हो गया कि वो ब्लूटूथ आरोपी संजय रॉय का है। आरोपी की पहचान करने और फिर उसकी गिरफ्तारी से पहले कोलकाता पुलिस को कई चीजों को जांचना पड़ा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में जुटी पुलिस ने जिस रात इस घटना को अंजाम दिया गया, उस रात भर्ती सभी मरीजों, उनके तीमारदारों, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड की पूरी लिस्ट तैयार की। इसके बाद सबसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई। इसी सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय आता दिखा। संजय रॉय अस्पताल में आते ही बाद में वहां से बदहवास हालत में बाहर जाते हुए दिखा। उसे अस्पताल की पुलिस चौकी के स्टाफ ने पहचाना था। पुलिस ने जब आरोपी संजय रॉय के फोन की जांच की तो उसके फोन से सैकड़ों पोर्न वीडियो देखने की हिस्ट्री का पता चला था। वो फोन को इंटरनेट के इस्तेमाल से इन वीडियो को देखता था। वो फोन वीडियो में अजीब किस्म के देखता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ किया उसे लेकर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है।